आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको स्लिट डिज़ाइन। ये कुर्ती मैंने पहले तैयार कर ली है, मैंने साइडों की सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब मैं ये आपको स्लिट डिज़ाइन दिखाऊंगी बनाकर। इससे पहले मैंने कटिंग की वीडियो इसकी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्लिट को मोड़ेंगे, जैसे सिंपल स्लिट मोड़ते हैं उसी। हम अपने यहाँ से स्लिट मोड़ेंगे, मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा था क्योंकि हम यहाँ तुरपाई नहीं करेंगे, हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। और जैसे मेरे इस कपड़े पे स्टोन लगे हुए हैं, आप यहाँ से स्टोन लगा लें, नहीं तो आपकी नीडल टूट जाएगी। जितना मार्जिन रखा है उतनी ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमारी सिलाई आ गई, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अपनी सिलाई को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से फुट को उठाएंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस सिलाई को सीधा ले आएंगे, फिर ऐसे लिफ्टर उठाकर फिर इसे घुमाएंगे, फिर इस तरीके से यहाँ एक सिलाई। इस तरीके से हमारी एक तरफ की सिलाई लग चुकी है, ये देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी। अब हम रेड कलर का कपड़ा लेंगे और उसमें से कुछ पट्टियाँ काटेंगे। मेरे पास ये मैचिंग का कपड़ा है, मैं इसमें से 2 इंच चौड़ी पट्टी निकालूंगी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। ये मैंने एक लंबी पट्टी काट ली है, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे। इसकी चौड़ाई इतनी रखेंगे और इसमें एक सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। पट्टी पे सिलाई लगा लिए दोनों साइड। अब हम इसमें से 2-2 इंच की पट्टी काटेंगे। ऐसी हम 24 पट्टियां काटेंगे। ये देखिए हमने ये अपनी सारी पट्टियां काट ली हैं। हम अपनी स्लेट लेंगे और उसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे। इंच टेप को ऐसे रखेंगे, जहाँ से हमारी सिलाई ये वाली ख़त्म हो रही है वहाँ हम ऐसे इंच टेप को लगाएंगे इस तरीके से। और आधा इंच छोड़ेंगे ऊपर सिलाई से, आधा इंच छोड़ेंगे और फिर हम एक एक इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे 6 निशान लगाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। इस साइड भी हम ऐसे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम ऐसे लंबा करेंगे तो हमारा दूसरी साइड भी निशान आ जाएगा। अब ऊपर का धागा चेंज कर ले, मैंने भी धागा चेंज कर लिया। अब इसको ऐसे लेंगे और इस साइड से इसको ऐसे रखेंगे। और जो हमने ये पट्टी बनाई थी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे, और अपने इस निशान के नीचे ऐसे रखेंगे इस तरीके से। जो हमारा सबसे पहला निशान था उसके नीचे हम इस पट्टी को ऐसे ऐसे रखेंगे आधा इंच बाहर की तरफ, और एक किनारी पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। पहले इसको पक्का करेंगे, फिर ऐसी दूसरी पट्टी लेंगे। एकदम बराबर हमारी लास्ट पट्टी थी। और इस सिलाई को ऐसे करेंगे और ऐसे घुमाएंगे इसको, और इस वाले हिस्से में भी हम अपनी ऐसे ही ये पट्टी ऐसे रखेंगे। ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए।
ये हमारी लास्ट पट्टी है। और इसको हम पक्का करेंगे और अपनी सिलाई ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। ये डोरी मैंने पहले से ही तैयार की हुई है। अगर डोरी भी आपको इसमें ही इसी वीडियो में बनाना सिखाते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने वीडियो की इसमें डालेंगे। एक सिरा यहाँ से डालेंगे और एक यहाँ से डालेंगे। इन दोनों को यहाँ से बराबर करेंगे। ये हमारी बराबर हो गई। अब ये वाली डोरी हम इसमें डालेंगे इस साइड। इसको ऐसे करेंगे और इसके अंदर से ऐसे डोरी को निकालेंगे। और इस वाली डोरी को इस साइड से निकालेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ डिजाइन बना लिया। ये देखिए मैंने दोनों तरफ डिज़ाइन बना लिया। मैंने इसमें ये लटकन लगाई है। आप इसमें पोम पोम भी लगा सकते हैं, रेड और ये क्रीम दोनों मिलाकर, वो भी सुंदर लगेंगे। देखिए आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।